नमस्कार मैं डॉक्टर प्रेम पायल निरोग होम्यो क्लिनिक सिक्कर से आज हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन के बारे में किडनी स्टोन का सबसे पहले तो पता कैसे चलेगा कि किडनी का स्टोन है पेशेंट को स्टोन दो प्रकार के होते हैं मोस्टली देखने को एक तो गोल्ड ब्रैडर का होता है एक किडनी का होता है तो किडनी का जो स्टोन है वो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को किडनी स्टोन है एक तो किडनी स्टोन का जो पेशेंट होगा उसको लोअर बैक में पेन होगा लोअर साइड में बैक साइड में नीचे और यूरिन में इन्फेक्शन होगा बर्निंग होगी यूरिन करते टाइम उसको बहुत जलन होगी कुछ केसेस में यूरिन में ब्लड भी आएगा और जलन तो होती होती है और यूरिन में स्मेल स्मेली यूरिन होगा मतलब अलग टाइप के यूरिन में स्मेल आएगी तो वो आपको हो तो आप हो सकता है कि आपको किडनी स्टोन हो और सेकंड अब इसका एक कारण इसके अपन देखे जाए तो कारण इसके होते हैं बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किडनी स्टोन होने के सबसे जो कॉमन कारण होता है वो पानी कम लेना है इनटेक पानी इंटेक कम करना है गर्मी के मौसम में स्वेट ज्यादा होता है तो पानी ज्यादा पीना चाहिए पेशेंट क्या करते हैं पानी कम लेते हैं उस रीजन से किडनी स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और कैल्शियम की मात्रा जैसे ज्यादा हो गई पेशेंट में या तो बहुत टाइम पेशेंट ले रहा रहा है यूज रहा है ड्रग्स का यूज़ कर भी भी किसी भी तरीके से तो उसमें उस पेशेंट में किडनी स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते, तो है तो होते हैं या फिर प्रोटीन ज्यादा नॉन वेजिटेरियन पेशेंट हो गए नॉन वेजिटेरियन ज्यादा खा रहे हैं तो उनको कैसे ज्यादा जा, होते हैं किडनी स्टोन होने के अब अपन बात करते हैं इसके डायग्नोस के बारे में तो डायग्नोस में अपन इसको सबसे पहले तो सिम्टमेटिक डायग्नोस होता है पेशेंट बताता है कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है सेकंड थिंग बताता है कि को मेरे को यूरिन में दिक्कत हो रही है तो सिम्टम के बेस पे अपन देख सकते हैं सेकंड अगर सिम्टम्स पे नहीं पेशेंट का जा रहा है अपन को नहीं पता चल रहा है पेशेंट नहीं बता पा रहा है आपको तो फिर अपन इसका डायग्नोस करते हैं तो ब्लड टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट होता है उसमें पता चलता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है क्या और थर्ड वन है वो अपना उसका सोनोग्राफी सोनोग्राफी में अपन को क्लियरली पता चल जाता है कि कितने एमएम का स्टोन है और क्या सिचुएशन पेशेंट की तो उससे अपन को पता चल जाता है कि हां सिचुएशन ये है किडनी स्टोन से बचने के लिए सबसे पहले तो उपाय हैं वो तो एक तो आप पानी ज़्यादा पिए गर्मी का मौसम है वैसे भी पानी बहुत पीना चाहिए और अगर किडनी स्टोन हो भी गया है तो उसके बाद भी आपको पानी तीन चार लीटर दिन के पानी पीना चाहिए नींबू पानी पीना चाहिए नींबू पानी बहुत बेस्ट होता है किडनी स्टोन के लिए और जैसे कैल्शियम है या फिर प्रोटीन है उन चीज़ों को एक बार कम कर दें तले भुना चीज़ बाहर का जो अवॉइड है उन खाने को कम कर दें लिक्विड वाली थिंग्स हैं वो ज़्यादा लें उसमें छाछ दही दूध पानी सब सब चीज़ें वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं तो उससे किडनी स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर है तो भी वो जल्दी से निकलने के होता है अभी जब आप डायग्नोस हो चुका है कि मेरे को किडनी स्टोन है तो आप अपने नजदीकी होम्योपैथी क्लिनिक पे अपने डॉक्टर से संपर्क करें उनसे कंसल्ट करें और सारी चीजें जो है उनको बताएं उसके बाद आप मतलब होम्योपैथिक से बिल्कुल आप क्योर हो सकते हैं होम्योपैथिक में इतनी अच्छी मेडिसिन हैं बट आप खुद से होम्योपैथिक मेडिसिन ना लें क्योंकि आप डॉक्टर की कंसल्ट पक्का करें क्योंकि हर पेशेंट टू तो पेशेंट होम्योपैथिक मेडिसिन अलग अलग होती है उसका सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि स्टोन जो है रिनल स्टोन है ये बार बार होने के चांसेस होते हैं तो बार बार सर्जरी तो हो नहीं सकती तो होम्योपैथिक इसका बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है इसलिए आप होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन पर तो होम्योपैथिक में वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि किडनी स्टोन पे काम करती हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं सब पेशेंट को अलग जैसे जिसके सिम्टम आते हैं उस हिसाब से अलग अलग मेडिसिन काम करती हैं तो पहले तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें और फिर ही अपनी मेडिसन्स लें बट फिर भी अगर बेसिकली नहीं पेशेंट पहुँच पाता है और आप खुद करने की कोशिश करते हैं तो दो तीन मेडिसिन है जिनका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है कैलकुलस मेडिसिन आती है जो कि बोरिक की आती है डॉक्टर की वो बहुत अच्छा इफेक्ट करती है होम्योपैथिक की और उसको आपको दिन में मतलब दो बार होती है ट्वेंटी ड्रॉप मॉर्निंग में ट्वेंटी ड्रॉप आफ्टरनून में और सेकंड जो मेडिसिन है जनरली जो लेते हैं बर्बेरिश वलगेरिस है क्यों मदर टिंचर करके आती है वो मेडिसिन भी आप ऐसे ही लेनी है फोर्टी ड्रॉप मॉर्निंग में फोर्टी ड्रॉप शाम को कैलकुलस जो मेडिसिन है वो धीरे धीरे क्या करती है एक टाइम के बाद में आपके मतलब स्टोन को क्या रिमूव करने की कोशिश करती है धीरे धीरे उसको शॉर्ट करती है और ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाता है डिजोल्व होके यूरिन के, के थ्रू निकल जाती है यही बर्बेरिश वलगेरिस का, का काम होता है पेशेंट को मतलब मदर टिंचर फॉर्म में आप लेते हैं तो धीरे धीरे यूरिन जो इन्फेक्शन हो रखा है जलन हो रखी है उसको ठीक करता है और बर्निंग हो रखी है उसको बहुत हद तक काफी हद तक ठीक कर देता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है उसमें तो हम हमने बात कर ली किडनी स्टोन के बारे में तो किडनी स्टोन को आपको जल्दी क्योर करना है तो एक तो मेडिसिन अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर देंगे जब आपको डायग्नोस हो गया है तो उसके बाद में अर्ली स्टेज में मेडिसिन को चालू कर देना चाहिए क्योंकि ये क्रिस्टल है धीरे धीरे क्या क्रिस्टल से क्रिस्टल जुड़ता जाएगा जैसे जु, आ, मिस्री है उसी तरीके से जो क्रिस्टल है वो एक टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते 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 फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता है तो फिर आपको बहुत परेशानी करने होने लग जाती है और सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो इसीलिए आप इसको टाइम रहते और नज़दीकी होम्योपैथिक क्लिनिक से आप संपर्क करें इस वीडियो से संबंधित या फिर होम्योपैथिक से संबंधित किसी भी बीमारी से या होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर करें और लोगों तक जानकारी पहुँचाएं होम्योपैथिक के बारे में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होम्योपैथिक के बारे में पता चले और विदाउट सर्जरी लोग ठीक हो सकें थैंक यू